फर्स्ट आप लोगों को एक लिस्ट वॉलंटियर्स का लिस्ट बने के ये हमारे ऊपर के ऑफिसर्स के डायरेक्शन के बराबर है, जो पुलिस के तरफ से काम करने के लिए वॉलंटियर्स का एक 50 आदमी का लिस्ट बने। जो कई क्यों बने बोले तो अब तुम्हारे को मालूम ही चाहिए कोरोना वायरस का कैसा कंट्रोल करना, उसके बारे में क्या क्या करना एरिया में बोल के तुम्हारे को चुने। इसलिए तुम्हारे की छोटी सोशल डिस्टेंस के साथ एक छोटा स्मॉल इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसलिए बुलाया हूँ तुम सब लोगों को भी। मैं स्वागत पुलिस स्टेशन के तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज रोज़ा पुलिस स्टेशन में हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के डायरेक्शन पर हमारे रोज़ा सर्कल साहब ने रोज़ा ब्लॉक के तकरीबन 50 वॉलंटियर्स चुने हैं। मैं इंशाल्लाह पिछले एक महीने से हमारे रोज़ा सर्कल साहब दिन रात मेहनत कर रहे हैं और पूरा स्टाफ मेहनत कर रहा है। इंशाल्लाह ये 50 वॉलंटियर दिन रात काम करेंगे अपने अपने एरिया में, अपने अपने मोहल्लों में। और मैं कमिश्नर साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमें एक मौका दिया है पूरे मोमिनपुरे के अंदर रोज़ा लिमिट के अंदर हमारे असलम बादशाह साहब के हाथ में काम करने का। और इंशाल्लाह मैं तौखुन देता हूं जब तक ये कोरोना वायरस है पूरे एरिया में हम अपने अपने एरिया में निगरानी करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। ये कोरोना वायरस जब तक ख़त्म नहीं होता जब तक हम काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं रोज़ा पुलिस स्टेशन सर्कल साहब और यहाँ के पूरे डिपार्ट का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने जितने वार्ड आते हैं वहाँ के वार्ड के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर इस पास दिया है। गुलबर्गे की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि ये लोग जब हमारे लिए ड्यूटी अपनी जान खतरे में डाल के हमारे लिए लोग ड्यूटी कर रहे हैं। मैं तमाम बड़े बुजुर्ग माँ और बहनों से, मैं वार्ड नंबर 9 का, मेरी मिसेस कॉरपोरेटर है, मेरा नाम आजम पटेल है। मेरे वार्ड में इस्लामाबाद कॉलोनी, अली मस्जिद, बगदाद कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, महालक्ष्मी लोट, गंज कॉलोनी, तमाम लोगों को अपील करता हूँ कि सर्कल साहब जो उन्होंने ये 50 पास बांटे हैं, इस पास की आप इज्जत करिए, इधर पुलिस को ज़्यादा परेशान मत करिए और आप अपने घरों में बैठिए। आज रोज़ा सर्कल साहब ने एक 50 ऐसे कार्ड बनाया है जिससे तमाम रोज़े एरिया के जो सोशल वर्कर हैं और कारपोरेटर हैं, यहाँ के तमाम रोज़ा सर्कल में जो आते हैं उनको बुलाकर एक ऐसा काम कर रहे हैं सर्कल साहब जिससे जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वो मेंटेन करने के लिए एक पूरे बुलाकर एक मीटिंग के तौर पे और सोशल डिस्टेंस के तौर पे ठहरा करके एक मीटिंग किए और लोगों को पूरों को कन्विंस करें कि सोशल डिस्टेंस खुद भी मेंटेन करो और जो है ना लोगों को भी डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए अपील करो। जो अपने एरिया में रहते वो एरिया में जाकर सबसे अपील करो। यहाँ पर कुछ कंप्लेंट आ रहे हैं हम मारने से उनको बुरा लग रहा है, लेकिन हम हमारे बी बच्चों को अपने जो है ना परिवार को छोड़कर हम जो ड्यूटी निभा रहे हैं वो ड्यूटी इसलिए निभा रहे हैं कि कोई फिर बीमार ना पड़े, फिर कोई जो है ना कोरोना वायरस से जो है ना एक बीमारी ना लगा ले, फिर उससे और ना लगा ले, जिससे ये एरिया में जो है ना हमारी जिम्मेदारी है कोई फिर परेशान ना हो। तो मैं सर्कल साहब की जो अपील है वो अपील को मैं ख़ुद भी एक्सेप्ट करता हूँ और तमाम मेरे रोज़े एरिया लोगों से खास करके अपील करता हूँ कि सर्कल साहब की अपील को सुने, हमारी अपील को सुने, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, बिला वजह घर के बाहर ना निकलें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पूरी दुनिया भर में कोरोना का कहर मच चुका है, तो इस ताल्लुक से डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ऊपर के लोग जो है ना ये स्टेप लिए हैं कि वॉलंटरी एरिया के जो लोग होते हैं इनको वॉलंटरी जो है ना एक कार्ड बनाकर इनको टी शर्ट देकर जो गलियों में बैठते हैं बेकार के जो बैठते हैं वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए वॉलंटियर्स को चुना गया है। यहाँ पे रोज़ा पुलिस स्टेशन के हिते में 50 लोगों को जो है ना चुना गया है, 50 लोगों को वॉलंटरी के पास और टी शर्ट दिए गए हैं। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने एरियों को जो बेकार बैठते हैं, जो
पतंगे उड़ाते हैं, जो गिल्ली डंडा खेलते हैं बाहर, जो है ना ये करते हैं, इसको हम पूरे वॉलंटियर्स मिलकर कंट्रोल करें, लोगों को खेलने ना दें। यह आने वाला महीना रमज़ान में है, घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहकर इबादत करें। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं तो अपने जो पूजा पाठ होती है वो घर में बैठ कर करें। अल्लाह भगवान हर जगह रहता है, हम बाहर ना निकले। बाहर निकलने से मौत के शक्ल में हमें जो है ना कोरोना वायरस आ चुका है, उससे कई लोग मर रहे हैं। ये कोई जो है ना ये नहीं है, झूठ बोलने की बात नहीं है, आप पूरे दुनिया भर में देख रहे हैं। तो इसी शक्ल से मैं हमारे सिटी के कमिश्नर साहब को, हमारे जो यहाँ के सर्कल साहब हैं असलम बादशाह साहब को, यहाँ के मैं पूरे डिपार्टमेंट को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए, इसको रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने 50 वॉलंटियर हर पुलिस स्टेशन में तैनात किए हैं, जिसमें हमें यह मौका मिला है खिदमत करने का, पब्लिक का, अवाम का, कि इस महामारी के खिलाफ हम एक वॉरियर बन के उभरें और हमारे वार्ड्स में कोरोना से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करने के लिए पब्लिक से गुजारिश करें, इसलिए हमें वॉलंटियर बनाया गया है। मैं इस मौके पर हमारे सर्कल साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं कि हमें इस रमज़ान के मुकद्दस महीने में ये मौका दिया कि अवाम की हम खिदमत कर सकें और कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ लड़ सकें। मैं सबसे पहले रोज़ा पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब जनाब असलम बादशाह साहब को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि वॉलंटियर ही हम जो है काम करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। और ये जो कोरोना वायरस जो फैल रहा है, इसमें लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोगों को जो है चुना है। हम इंशाल्लाह अज़ीज़ हम इन्हें पूरा तयक़ुन दिलाते हैं, पूरा यकीन दिलाते हैं कि हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे लोगों में अवेयरनेस के लिए इंशाल्लाह अज़ीज़। अब आपसे भी जो है गुजारिश करता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने जो आपको जो है अवेयरनेस के लिए जो कहा है, आप जो है उस पर अमल करें इंशाल्लाह अज़ीज़। हम भी कोशिश करेंगे पूरी। रोज़ा पूरा स्टाफ, सर्कल साहब और उनके स्टाफ के जितने टोटल 30-35 लोग हैं, पूरा स्टाफ मिलकर डे नाइट जो वर्क कर रहे हैं, हमको भी अपना साथी बनाकर ये कार्ड जो हमें दिया है, इसकी कोई गलत इस्तेमाल ना करो। मैं तमाम वॉलंटियर्स से अदबन गुजारिश करता हूँ, इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। लिहाजा हमको ये कार्ड इसलिए दिया है, हम अपने अपने एरियाओं को स्वच्छ रखें, हम अपने अपने एरियाओं में अपने माँ और बहनों भाइयों को अपने अपने घरों में रखें जो वाकई ज़रूरत है। लिहाजा फैमिली का एक मेम्बर आके बराबर अपनी ज़रूरतों को लेकर बड़ी शराफत से वापिस जा सकता है। लिहाजा ये किसी की ये ऐसा ना समझे जो डिपार्टमेंट अपने तरफ से भूखे और ये बहुत ज़रूरती चीज़ों के लिए जो वक्त दिया जा रहा है, इसको कोई चीज़ की कर्फ्यू ना समझे। कर्फ्यू में एक बात अलग थी, ये कोरोना वायरस है, किसके पास है, कहाँ है, कैसा है, किसी को नहीं मालूम। ये एक एरिया में, दो एरिया में नहीं, तमाम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में इसका असर हो रहा है। लिहाजा मैं हमारे सर्कल साहब से ये जो कार्ड देकर हमें भी खिदमत करने का मौका दिया है, हम अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, सब के तरफ से बाइज्जत हम इस काम को अंजाम देंगे। लिहाजा इसी तरह हम जो अब हमारे जो देख रहे हैं तमाम लोगों से, बोलने से पहले अपनी अपनी हिफाजत करें तो अल्लाह सबको खैर करेगा, इस बीमारी से महफूज रखूँगा। मैं हमारे स्टाफ को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह आप और हम मिलकर बराबर इस कोरोना वायरस को भगा के छोड़ेंगे।